ये आपके सॉल्यूशन लेसन का नौ वीडियो है। इससे पहले हमने पढ़ा वास्ता वास्ता और वास्ता औमन, या अच्छी तरह समझ लिया होगा, ठीक है भाई, है ना। और अब पढ़ेंगे हम राहुल का नियम। राहुल का नियम क्या है इसको समझ लो, ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन आ जाता है बोर्ड में। देखो, किसी विलियम का वास्ता तथा विलियम की सांद्रता को सबसे पहले राहुल नामक वैज्ञानिक ने समझाया। ये बात सबको पहले, किसी विलयन का वास्तविकता तथा विलयन की सांद्रता को, किसी विलयन का वास्तविकता तथा विलयन की सांद्रता को सबसे पहले राहुल नामक वैज्ञानिक ने समझाया। इसको आप वास्तविकता अवमान कर देना, वास्तविकता अवमान, किसी विलयन का वास्तविकता अवमान तथा विलयन की सांद्रता को सबसे पहले राहुल नामक वैज्ञानिक ने समझाया। ये भाई राहुल कहो इसे, या राहुल कहो या रावले कहो, बात एक ही है। राहुल रावले या राहुल कहो, बात एक ही है, ठीक है भाई। अब इस वैज्ञानिक ने हमें दो नियम दिए, कितने नियम दिए, दो। एक तो दिया वास्तविक विलेय नियम का वास्तविकता, और एक दिया था अवास्तविक विलेय नियम का वास्तविकता। दो नियम दिए इसने, तो पहला नोट करो, पहला नियम नोट करो, यानी को भी पहले रावले का नियम, रावले का नियम। और रावले ने आपको दो नियम दिए, पहला नियम नोट करा वास्तविक वास्तविक विलय युक्त विलयन का विलयन का वास्तविकता वास्तविकता मिले वास्तविक मिले मिलियन का वास्तविकता, इसको नोट करो पहले जाओ। वास्तविक मिले मिलियन का वास्तविकता, या आप इसको दूसरा नाम दे सकते हो वास्तविक मिले के लिए रावले का नियम, वास्तविक मूल्य नियम का वास्तविकता, या वास्तविक मूल्य नियम के लिए रावले का नियम। देखो भाई, वास्तविक मूल्य नियम का वास्तविकता, या फिर वास्तविक मूल्य नियम के लिए रावले का नियम, बात एक है, समझो इसे। पहले इसको समझना, वास्तविक मूल्य नियम का वास्तविकता क्या है भाई। किसी विलयन का वास्तविकता, किसी विलयन का वास्तविकता उसके घटक, प्रत्येक घटक का आंशिक दाब उसकी मूल बिंदु के समानुपाती होता है। ये रावले का नियम है, इतना नियम है भाई। किसी विलयन का वास्तविकता उस विलयन के प्रत्येक घटक का आंशिक दाब उसकी मोल मिल के समानुपाती होता है। या आप ये जानते हो कि किसी विलयन का वास्तविकता उसके विलय प्लस विलाय दोनों पर निर्भर करता है, दोनों पर निर्भर करता है। इसलिए मैंने लिखा है आपको वास्तविक विलय विलयन का वास्तविकता, वास्तविक विलय विलयन विलयन का वास्तविकता। यहां पर विलय के वास्तविक है और विलय के वास्तविक है, तो टोटल जो वास्तविकता होगा किसके कारण होगा, वो विलय और विलय के कारण ही होगा।
डाउन। तो देखो काम नोट करो आगे, इस प्रकार के विलयन के लिए, इस प्रकार के विलयन के लिए वास्तुता विलेय तथा विलायक, इस प्रकार के विलयन के लिए वास्तुता विलेय तथा विलायक दोनों की वास्तुता समान होता है या दोनों के कारण निर्मित होता है। ठीक है, देखो आगे रावले के नियम अनुसार, रावले के नियम अनुसार देखो रावले के नियम अनुसार निश्चित ताप पर वाष्पशील विलेय युक्त विलयन में प्रत्येक घटक का आंशिकता उस निश्चित ताप पर वाष्प विलेय विलयन में प्रत्येक घटक का आंशिकता और उस घटक के मोल भिन्न के समानुपाती होता है। ये रावले का प्रथम नियम है भाई, ये रावले का प्रथम नियम है, एक बार से रिपीट कर रहा हूं। देखो इस प्रकार के विलयन के लिए वास्तव विलय तथा विलायक दोनों के योग के समान होता है, दोनों के योग के बराबर होता है। रावले के नियम के अनुसार निश्चित ताप पर वाष्प विलेयुक्त विलयन में प्रत्येक घटक का आंशिकता उस घटक के मोल भिन्न के समानुपाती होता है, उस घटक के मोल भिन्न के समानुपाती होता है। देखो क्या माना विलयन के दो वाष्पशील घटक ए तथा बी है, भाई ए भी यहां पर वाष्पशील है और बी भी यहां पर वाष्पशील है, ए यहां पर विलायक है और बी यहां पर विलेय है। भाई एक बार देखो, माना विलयन के लिए दो वाष्पशील घटक ए तथा बी है, इनके विलयन में आंशिकता इनके विलयन में आंशिकता पी ए तथा पी बी है, इनकी मोल भिन्न क्रम से एक्स ए तथा एक्स
ए तथा एक्स बी है भाई। एक्स यहाँ पर मोरबिन है, ए यहाँ पर है विलय की मोरबिन और बी है यहाँ पर विलय की मोलबिन। समझ आ गया होगा आपको भाई। किसी भी विलयन का वास्तव, किसी भी विलयन का वास्ता विलय और विलायक पर निर्भर करता है, यानी किसी विलयन का टोटल जो वास्तव है वो किसी का होगा, विलय तथा विलायक के कारण ही होगा, यानी इन दोनों के योग के बराबर ही होगा। ठीक है भाई, ये है वास्तविक विलय के विलयन के लिए रावले का नियम या वास्तविक विलय के विलयन का वास्तव। ठीक है, आगे देखो, अब लिखो यहां रावले नियम के अनुसार, रावले नियम के अनुसार, रावले नियम के अनुसार रावले नियम के अनुसार रावले नियम अनुसार रावले नियम अनुसार को होता है। आप लिखोगे इसे, देखो पी ए बराबर पी नॉट ए एक्स ए, पी नॉट ए एक्स ए, इसी तरह देखो पी बी, पी बी यानी विलय का अंशदा उसकी मोल भिन्न, उसकी मोल भिन्न एक्स बी के समानुपाती होता है। इसी तरह एक्स पी बराबर पी नॉट बी और एक्स बी, पी नॉट बी एक्स बी। समझो इसे भाई, रावले नियम क्या था कि वास्तविक विलय तो विलयन का वास्तव, वास्तविक विलय तो विलयन का वास्तव, उसके प्रत्येक घटक, प्रत्येक घटक विलयन में प्रत्येक घटक का अंशता उसकी मूल भिन्न के समानुपाती होता है। एक बार फिर रिपीट करो इसे, निश्चित तौर पर वास्तविक विलय तो विलयन में प्रत्येक घटक का अंशता उसकी मोल भिन्न के समानुपाती होता है। ये रावले का प्रथम नियम था भाई। और इस नियम के अनुसार क्या है, इस नियम के अनुसार देखो, माना किसी विलयन के दो वास्तविक घटक है ए तथा बी, इन विलयन के आंशिक दाब हैं एक्स पी पी ए तथा पी बी, इनकी मोल भिन्न क्रमशः होगी एक्स ए तथा एक्स बी। इस तरह रावले के नियम के अनुसार देखो क्या है, निश्चित दाब पर, निश्चित दाब पर वास्तविक विलयन के विलयन में प्रत्येक घटक का अंशदा उसकी मोल भिन्न के समानुपाती होता है। अब घटक है आपके विलयन के दो, कौन-कौन से, PA और PB। तो PA का जो PA का अंशदा होगा किसके समानुपाती होगा, XA के समानुपाती होगा, और PB का अंशदा होगा XB के समानुपाती। इसी तरह देखो PA बराबर P नॉट A XA, PB बराबर P नॉट B एक्स बी। ठीक है भाई, तो लिखोगे आप यहाँ पर पी नॉट ए तथा पी नॉट बी, पी नॉट ए तथा पी नॉट बी वास्तविक अवयव या घटक ए तथा बी, ए तथा बी के शुद्ध अवस्था में वास्तव है भाई, वास्तव है। जो कौन कौन से, पी नॉट ए और पी नॉट बी वास्तविक अवयव, आपको पता है कि आपके विलयन के दो अवयव या दो घटक हैं ए तथा बी, ए तथा बी वास्तविक अवयव ए तथा बी के शुद्ध अवस्था में वास्तव है। कौन कौन से, पी नॉट ए और पी नॉट बी। ठीक है भाई, समझ आ गया, तो लिखो क्या, अब विलयन का वास्तव, विलयन का वास्तव भाई, विलयन का जो वास्तव है वो है पी, और आपके जो घटक है अभी पी है, विलयन का जो वास्तव है किसके कारण है भाई, वो है एक आंशिक दाब प्लस बी का आंशिक दाब के योग के बराबर है। मैं आपको कह
कि रावली का जो प्रथम नियम है वो है वासिल विले तथा विलाय के लिए रावली का नियम, यानी वहां पर जो विले है वो भी वासिल है और विलाय भी वासिल है, तो दोनों के नियम के बराबर क्या हो जाएगा, जमीन का वास्तव हो जाएगा। आगे वासिल में पहले वक्त करो इसे। अब यहां पर क्या करो, क्या पी ए तथा पी बी का मान रख दो, पी ए तथा पी बी का मान रख दो, वैल्यू रखो इनकी। तो देखो पी नॉट ए, पी ए का मान क्या हुआ यहां पर, पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी, आपका एक समीकरण होता है। देखो ए एक्स ए प्लस एक्स बी बराबर वन, तो आपको लेना है यहां पर एक्स ए मोड मिल, यानी ए घटक की मोड मिल क्या हो जाएगी, एक्स ए बराबर माइनस एक्स बी। देखो चूंकि एक्स ए प्लस एक्स बी बराबर वन, इसलिए एक्स ए बराबर वन माइनस एक्स बी। अब यहां पर आप एक्स ए का मान रखने यहां पर करना, देखो समीकरण क्या है, पी बराबर पी ए प्लस पी बी, यही है ना, आपने मान रखा था पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी। समीकरण आपका ये होता है एक्स ए प्लस एक्स बी बराबर वन, तो क्या करोगे एक्स ए बराबर वन माइनस एक्स बी, ठीक है। अब हमारा एक्स ए का मान रखो, तो पी नॉट ए वन माइनस एक्स बी प्लस पी नॉट बी एक्स बी, सो मल्टीप्लाई करो इससे पी नॉट ए माइनस पी नॉट ए एक्स बी प्लस पी नॉट बी और एक्स बी। देखो यहाँ पर कॉमन ले लो, एक्स बी कॉमन आ रहा है, तो पी नॉट यहाँ पर प्लस लगाओ, प्लस क्या लिखोगे P नॉट B माइनस P नॉट A, माइनस P नॉट A कॉमन, तो कॉमन लगने पर एक्स डी, ये कॉमन ले लिया, ठीक है। तो आपके ये हुआ रावली का प्रथम नियम की बात, उतारो इसे एक बार फिर समझा देता हूं मैं इसे। देखो रावली का नियम क्या है, वो कह रहा है कि वासिल विले युक्त विलयन, वासिल विले युक्त विलयन में तृतीय घटक का आंशिक दाब, तृतीय घटक का आंशिक दाब उस घटक के मोल भिन्न के समानुपात में होता है। अब आपके घटक है दो, एक तो है ए और दूसरा है बी, अब इनके आंशिक दाब हुए पी ए और पी बी, अब इनकी जो मोल भिन्न होगी वो एक्स ए और एक्स बी, ठीक है। अब क्या करना है आपको, रावली नियम के अनुसार चलना है, तो रावली नियम के अनुसार चलना है, तो रावली का जो नियम कह रहा है वो ये कह रहा है कि विलयन विलयन में प्रत्येक घटक का आंशिक दाब, प्रत्येक घटक का आंशिक दाब उसके मोल भिन्न के समानुपाती होता है। तो आंशिक दाब यहां पर है ए घटक का आंशिक दाब है पी ए, बी घटक का आंशिक दाब है पी बी। तो देखो पी ए प्रोपोर्शनल एक्स ए, इसे समानुपाती, यानी ए घटक का जो आंशिक दाब है वो एक्स ए के समानुपाती है, एक्स ए के समानुपाती है, ठीक है। इसी तरह पी घटक का आंशिक दाब हुआ उसकी मोल भिन्न एक्स बी के समानुपाती। यहां पर देखो पी ए बराबर पी नॉट ए एक्स ए और पी नॉट बी पी बी बराबर पी नॉट बी और एक्स बी, ये हो गया। अब देखो इसको आप आगे बढ़ा सकते हो, अब इसे आगे बढ़ाओगे तो देखो क्या करना है आपको, विलयन का जो वास्तविक दाब है वो है घटक ए और घटक बी के योग के बराबर, तो घटक ए आंशिक दाब, ए का आंशिक दाब यानी पी ए की वैल्यू पी नॉट ए एक्स ए प्लस बी की वैल्यू पी
कर दिया आपने। देखो आगे, एक समीकरण होता है गणितीय समीकरण एक्स ए प्लस एक्स बी बराबर वन। यहाँ पर देखो ए को आपने मान लिया तो क्या हो जाएगा वन माइनस एक्स बी। अब एक्स एक्स ए की वैल्यू क्या पर पी नॉट ए ब्रैक वन माइनस एक्स बी प्लस पी नॉट बी और एक्स बी कर दिया। देखो पी नॉट ए माइनस पी नॉट ए और एक्स बी प्लस पी नॉट बी एक्स बी। एक्स बी यहां पर कॉमन ले लो, पी नॉट ए प्लस एक्स बी कॉमन लो, पी नॉट बी माइनस माइनस पी नॉट बी, यह आपका हुआ राउंड का खत्म, यहां पर खत्म हुआ। ठीक है, अब इसका ग्राफ भी आता है, एक नंबर किसी ग्राफ पूछ लेता है तो उसको नोट कर लो आप, ये स्क्रीनशॉट ले लो, समझ आ गया होगा आपको, ये समझ आ गया होगा भैया आपको। आगे देखो ग्राफ, देखो ग्राफ है वास्तव और मोल बिंदु के संदर्भ में या दोनों के मध्य में है। ग्राफ है आपका वास्तव और मोल बिंदु के मध्य में, वहां से पूछ सकता है एग्जाम में इस ग्राफ को। ये आपका ए नॉट ए और ये बी नॉट बी, ये मोल बिंदु घटक ए की मोल बिंदु यहां पर होगी जीरो, घटक बी की मोल बिंदु यहां पर वन। देखो ये मोल बिंदु और ये वास्तव, ठीक है, ये लो यहां पर लिखो क्या पी बी बराबर पी नॉट बी एक्स बी, और यहां पर लिखोगे आप पी ए बराबर पी नॉट ए एक्स ए, यहां पर लिखोगे आप पी बराबर पी ए प्लस पी बी। ठीक है भाई, बना लो इसका ग्राफ। इसके बाद हम पढ़ेंगे अवास्तविक विलयन तुल्यन के लिए रावे का नियम, वहां पर हम पढ़ेंगे अवास्तविक विलयन तुल्यन के लिए रावे का नियम। ये पढ़ा हमने वास्तविक विलयन तुल्यन के लिए रावे का नियम, यहाँ पर जो विलयन का जो वास्तविक पदार्थ होता है घटक ए घटक बी के योग के बराबर होता है। ठीक है भैया, ध्यान रखना, यानी दोनों के कारण होता है यहाँ पर विलयन का वास्तविक, लेकिन जब इसके बाद हम पढ़ने आगे हम पढ़ेंगे अवास्तविक विलयन तुल्यन के लिए रावे के नियम, वहां पर घटक ए के ही कारण होगा जो कि विलय है, वहां पर क्या होगा अवासिल होगा, विलयन कैसा होगा अवासिल होगा। ठीक है भाई, अगले वीडियो में पढ़ेंगे हम अवासिल विलयन के लिए रावे का नियम। ठीक है भाई।